हाँ जी, सो बच्चे जो अभी हमने पढ़ा साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अकॉर्डिंगली, तो जो भी टाइप ऑफ फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मेड बी साइक्लिक मेड बी नॉन साइक्लिक, द मेन प्रोडक्ट विच इज बीन फॉर्म्ड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, है ना। एटीपी एनर्जी जो है वो दोनों में प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन एटीपी भी कैसे प्रोड्यूस हुआ है, हमने कहा फॉस्फोराइलेशन हुआ है, फॉस्फोराइलेशन दैट विच ऑल्सो इन्वॉल्व द लाइट प्रेजेंस, लाइट को हार्वेस्ट होना है, लाइट हार्वेस्टिंग दैट इज फर्स्ट डन बाय द फोटोसिस्टम टू। ठीक है, अभी जो हमने सुबह वाले लेक्चर में थोड़ा सा कंसर्न लिया था, दैट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द थाइलाकॉइड, जो मैंने यहाँ पे बनाया था, दैट ओनली मार्क्स फॉर द फर्दर एटीपी सिंथेसिस, द होल प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन द एटीपी सिंथेसिस, दैट मार्क्स द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। नाउ दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दिस केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इज बेसिकली इट डील्स विथ, और इट इज यू कैन से इट इज एसोसिएटेड विद, इट इज लिंक्ड विथ द फॉर्मेशन, और यू कैन से द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोटोन ग्रेडियंट। ठीक है, प्रोटोन का ग्रेडियंट तैयार होता है। अभी मैंने क्या बोला, एटीपी सिंथेसिस कैसे हुआ, एटीपी सिंथेसिस के लिए पहले तो एक प्रोटोन ग्रेडियंट बनेगा। ग्रेडियंट क्या होता है, दैट इज हाई कंसेंट्रेशन एंड लो कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोटीन्स, सॉरी नॉट प्रोटीन्स, प्रोटोन्स। ठीक है, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं प्रोटोन्स के लिए, तो प्रोटोन्स ग्रेडियंट तैयार होगा तभी एटीपी सिंथेसिस पॉसिबल हो पाएगा। व्हेन द प्रोटोन्स दे फ्लो फ्रॉम देयर हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन, देन देयर विल बी द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी। ठीक है, दिस होल फिनोमिना, दिस होल प्रोसेस मार्क्स फॉर द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। डन, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस इसमें फॉलो हो रहा है, जिसकी मदद से एटीपी सिंथेसाइज होगा। ठीक है, सो द मेन थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इज अक्रॉस द थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन, जो थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन्स थे उनके अक्रॉस विद इन द ल्यूमेन, आउटसाइड द ल्यूमेन देयर विल बी अ प्रोटोन ग्रेडियंट विच विल बी क्रिएटेड विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी। सो ओवरऑल इन दिस वी हैव टू स्टडी ओनली दिस मच, दैट हाउ द एटीपी इज सिंथेसाइज एंड हाउ द प्रोटोन ग्रेडियंट इज बीइंग सेट। ठीक है, अब वो कैसे होता है उसको समझने के लिए अगेन वी हैव टू क्रिएट द स्ट्रक्चर फॉर द थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड्स दैट आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सो नाउ आई एम मेकिंग एन एनहांस्ड व्यू फॉर दिस, एनलार्ज व्यू, बिकॉज अभी आप लोगों ने इसमें सारा फिनोमिना पढ़ना है जो हमने सुबह एक सिंपल सा कंसर्न लिया था, नाउ यू आर टू एक्सप्लेन दैट। ओके, सो दैट इज वाई आई एम मेकिंग इट अ बिगर स्ट्रक्चर, यू ऑल्सो मेक इट। सो दिस इज द थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन, एटीपी सिंथेसिस थ्रू केमी ऑस्मोसिस, दैट्स द प्रोसेस, एंड दीज आर द थाइला, दिस इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज अ थाइलाकॉइड। नाउ इन दिस थाइलाकॉइड, द थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन, दिस हैज द एसोसिएशन ऑफ द फोटोसिस्टम्स, ये हमने सुबह पढ़ा था ना, थाइलाकॉइडल जो मेम्ब्रेन है, दिस इज मेम्ब्रेन दैट हैज द एसोसिएशन विद द फोटोसिस्टम्स, द फोटोसिस्टम टू एंड फोटोसिस्टम वन, है ना। तो फोटोसिस्टम टू दैट इज एसोसिएटेड विद द इनर मेम्ब्रेन, ऑन द इनर साइड वी कैन से इट इज नॉट हैविंग द टू ऑफ द मेम्ब्रेन्स, इट इज अ सिंगल थाइलाकॉइडल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये ऐसा है, लेकिन ये टुवर्ड्स द इनर साइड है, वो टुवर्ड्स द आउटर साइड है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इसको जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। सो दिस इज लेट से द फोटोसिस्टम टू व्हिच इनिशियली गेट्स एक्टिवेटेड एंड द फोटोसिस्टम वन व्हिच गेट्स एक्टिवेटेड लेटर ऑन। इन बिटवीन देयर इज अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट हैपन्स टू फॉलो थ्रू द साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। ठीक है, सो दिस टेक्स प्लेस थ्रू द साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, राइट, डन। ओके, नाउ वॉट इज हैपनिंग इज इनिशियली वेन देयर इज वॉटर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस दैट इज इन साइड द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का ये क्या है, दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड। ओके, सो दिस पार्ट इज द ल्यूमेन, LUMEN, ल्यूमेन ऑफ द थाइलाकॉइड, डन। व्हेन द वॉटर स्प्लिटिंग टेक्स प्लेस, सुबह हमने एक रिएक्शन लिखा था जिसमें हमने फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स और नेसेंट ऑक्सीजन बनाया, है ना। सो दिस इज इट, फोटोन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड नेसेंट ऑक्सीजन, डन, राइट। ओवर हेयर ओनली इन दिस पर्टिकुलर फिनोमिना, इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, द फोटोन्स विच आर बीन फॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड विद इन द ल्यूमेन, दैट इज वेन द वॉटर स्प्लिटिंग इज टेकिंग प्लेस,
इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैंने बोला था, द इलेक्ट्रॉन्स दे आर हार्वेस्टेड, दे आर एक्चुअली कंज्यूम्ड बाय द लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स, नॉट हार्वेस्टेड. ओके, लाइट इज मेन हार्वेस्टेड, लाइट हार्वेस्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉन्स जो कि बाहर है और लो कंटेंट में. अंदर हाइड्रोजन आयन्स जो हैं, फोटोन्स, प्रोटोन्स, ये सारे यहाँ पे बढ़ते जाते हैं बिकॉज ऑफ द वाटर स्प्लिटिंग. दैट इज अ वन रीजन पहला. ठीक है, वाटर स्प्लिटिंग से जितने वाटर स्प्लिट होते जाएंगे, मॉलिक्यूल स्प्लिट होते जाएंगे, उतने ही यहाँ पे एच पॉजिटिव आयन्स भर जाएंगे. ठीक है, सो वी आर जस्ट मेकिंग मोर ऑफ द एच पॉजिटिव आयन्स विद इन दिस. डन, देयर आर न्यूमरस ऑफ द एच पॉजिटिव आयन्स विच आर बीइंग बिल्ट within the lumen of the thylakoid, thereby providing the high content of the hydrogen ions within the lumen. Clear hua? Jahan pe nahi samajh aayega mere se pooch lena. Theek hai, just the high content of the hydrogen ions within the lumen. Now nowhere there is a pathway for the hydrogen ions to be going out. ठीक है, एक्सेप्ट वन साइट, दैट इज कॉल्ड एज एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स. ऑक्सीजोम्स जो आप लोगों ने पहले भी पढ़े हैं, इन कंसर्न टू द माइटोकॉन्ड्रिया, हमने पढ़ा था ना आपको, मैंने करवाया था, दैट इज ईडीएस में करवाया था ये सारा कंसेप्ट. अगर आपको याद है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज देयर, द हाइड्रोजन आयन्स गो फ्रॉम देयर एंड कम्स आउट फ्रॉम द ऑक्सीजोम्स, है ना, देयर बाय एक्टिवेटिंग एन एंजाइम दैट इज एटीपी सिंथेस, वहां से एटीपी बन जाएगा, है ना. सो थायलाकोइडल मेम्ब्रेन के साथ भी ऐसा ही एक मॉलिक्यूल एफ नॉट एफ वन पार्टिकल जुड़ा होता है. दैट इज द ओनली वन वे आउट फ्रॉम वेयर द हाइड्रोजन आयंस कैन मूव आउट. क्लियर? ठीक है, यहाँ पे जो हमारे अंदर, इसमें थायलाकोइड के अंदर इतने सारे हाइड्रोजन आयंस क्रिएट हो रहे हैं, ये सारे हाइड्रोजन आयंस के निकलने का रास्ता और कोई नहीं है इस पूरी मेम्ब्रेन में सिवाय सिर्फ एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स के. तो एफ नॉट एफ वन पार्टिकल्स दे आर making the complex out here. So this is a complex of F naught F1 particle. ठीक है, this is F naught and F1, F naught F1 particle. ठीक है, this also has an association with the F naught F1 particles. का association कौन से enzyme के साथ होता है? ATP synthetase के साथ. तो this is having the association with an enzyme that is ATP synthetase. एटीपी सिंथेज या एटीपी सिंथेटेज, सिंथेटेज या सिंथेज. सो दिस इज एटीपी सिंथेज, राइट, दैट विच इज गोइंग टू इनिशिएट द रिएक्शन फॉर एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी. राइट, क्लियर? So when these hydrogen ions, they move out from here, that is activating the F0 F1 particle, so is the activation of the ATP synthetase also takes place. So all these hydrogen ions, they just make one pathway out from the lumen of the thylakoid. Sirf ek hi rasta hai is thylakoid ke se bahar nikalne ka. Theek hai? अब प्रोड्यूस हो रहे हैं बल्क में हाइड्रोजन आयंस अंदर. एक तो ये तरीका है जहां पे वाटर स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, एक और है वो भी बताती हूँ. तो यहाँ पे ये जो फोटोन्स हैं ये बाहर निकल रहे हैं, ये एच पॉजिटिव आयन्स बाहर लो कंसेंट्रेशन में, क्योंकि निकलने का रास्ता सिर्फ एक है, बनने में कितने सारे बन रहे हैं और लेकिन निकलने में सिर्फ एक 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 करके ही निकलेंगे, है ना, थ्रू दिस एफ नॉट एफ वन पार्टिकल. राइट, सो दिस इज एफ नॉट, ये मैंने यहाँ पे एफ नॉट लिखा है बेटा, एफ जीरो एफ वन पार्टिकल. ओके, एफ नॉट एफ वन एसोसिएटेड विद एटीपी सिंथेस. डन, ठीक है. So in this condition, if you will see, यहां तक हमने क्या किया कि हाइड्रोजन आयन्स जो है वो निकल रहे हैं एंड दे वर स्टिल हायर इन द कॉन्सेंट्रेशन विद इन द ल्यूमन एंड आउटसाइड द ल्यूमन दे विल बी लो इन कॉन्सेंट्रेशन. सो लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन वी कैन से, है ना, कहाँ है ये लो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन? इन द स्ट्रोमा. तो ग्रेडियंट सेट हो गया, ये ग्रेडियंट सेट होने पे एटीपी सिंथेसिस शुरू होगा. ठीक है, अब जब ये ग्रेडियंट सेट हो गया हाई टू लो, यहाँ पे स्ट्रोमा में आ गया लो कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस. नाउ दीज हाइड्रोजन आयंस जो कि बहुत लो कंसेंट्रेशन में है बाहर, एज इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन्स, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्सेस को जो लाइट ट्रैप करी जाती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन्स. ठीक है, दैट फोटोन्स दे आर ऑल्सो एडिंग अप टू द
LHC of the PS2. Photosystem 2 के जो light harvesting concentrations में आ रहे हैं, so this is light being harvested that is also being added to the PS2. Done. After this, the whole process of the PS2, LHC gets it, chlorophyll A gets excited, reaches to the electron acceptor that is at a higher excited state, then coming back through the electron transport chain. So, सबसे पहला यहाँ पे जब ये वापस आता है, सबसे पहले बीच में एक ये प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन का कम्प्लेक्स बनाएगा, है ना. प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन आप लोगों ने पढ़े थे ना इन द ETS, है ना. सो दिस इज इट इज फॉर्मिंग द कम्प्लेक्स ऑफ द प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन. हेयर वेन हाइड्रोजन वाला मैंने कंसेप्ट सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे भी एक एंट्री है हमारे पास हाइड्रोजन आयन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में सिर्फ इलेक्ट्रॉन आगे जाना है. हाइड्रोजन लीव हो रहे थे वहां पे भी, अगर आपने आपको याद है रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से भी, तो हाइड्रोजन आयन लीव हो जाते थे. यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयन लीव हो गया, तो वो लीव होके कहाँ गया, अगेन इन द ल्यूमन, है ना. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जा रहे हैं टू द साइटोक्रोम कम्प्लेक्स. ठीक है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स में भी यहाँ पे आता है B6 and F. ठीक है, B6 and F आर द साइटोक्रोम्स विच आर इन्वॉल्व इन दिस कम्प्लेक्स पर्टिकुलरली. After this, another complex, that is the plastocyanin, PC. पूरा ETS chain खत्म करेगा और यहाँ पे आके जो electrons हैं, they will be shifted to the photosystem 1. Photosystem 1, when it gives out the electrons, this activates an energy form, that is the NAD, P positive से NADP H2. ठीक है, तो यहाँ पे ये energy form को हेल्प करेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन PS1 से निकलेगा, यानी नॉन साइक्लिक में निकलेगा. अगर ये साइक्लिक है तो ये वापस यहीं पर रिवर्ट कर गया, फिर ये नहीं निकलेगा और NADPH2 नहीं बनेगा. ठीक है, क्लियर. सो दिस इज इन्वॉल्विंग द प्लास्टो हाइड्रोक्विनोन्स. हाइड्रोजन आयन्स दे एंटर इनसाइड द ल्यूमन. सो हाइड्रोजन आयन एंटरिंग इनसाइड, वाटर गेटिंग स्प्लिटिंग. सो सारी तरफ से जो हाइड्रोजन आयन्स है, जितनी बार ये लाइट्स को हार्वेस्ट करेगा, पहली चीज यहां से नहीं शुरू हो रहा, ये हाइड्रोजन आयन जो निकले हैं वही वाले यहाँ एंटर नहीं कर रहे. दिस इज द स्टार्टिंग फ्रॉम द लाइट, जो लाइट आई है फॉल करी है फोटोन्स से. ठीक है, द लो कंसेंट्रेशन इज देयर इन द स्टोमा विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द थायलाकोइडल मेम्ब्रेन्स एंड दिस हेल्प्स इन द हार्वेस्टिंग ऑफ द LHC, देयर बाय कंटिन्यूइंग द होल प्रोसेस लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इफ नॉन साइक्लिक. And the hydrogen ions, which are making its highest concentration within the lumen, they only can be, you can say, removed out from the lumen to the stroma only through this unit, which has an association with ATP synthase, hence leading to the formation of ATP as the main energy currency. And clear ho gaya ye wala sara phenomena? Any question to anyone? Yes, anybody having any question, any doubt? From this chemi-osmotic hypothesis. So the chemi-osmotic hypothesis, basically what it is, this deals with the formation of the ATP and also the the gradient of the hydrogen ions which are created. Gradient का मतलब अपने आप में ही होता है. Across a membrane, it should be high and low. High on one side, low on one side, so that they can flow out. From higher to lower concentration. तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो ना. So building up of the hydrogen ion gradient across the thylakoidal membrane, high to low, which allows the hydrogen ions to flow only from one side, only from one exit point, and that is the F0 F1 particle. From here, when it goes out, it results in the formation of the ATP. And rest everything non-cyclic, cyclic, that is running, that is at the sides in the thylakoidal membrane. Okay. So this is called as chemi-osmotic hypothesis, which is linked to the development of a proton gradient. Okay, ATP synthesis through the process of chemi-osmosis. ठीक है जी. So chemi-osmosis से ये process से chemi-osmosis process से ATP का synthesis हो रहा है. How? Is it clear now? Any question? Any doubt to anyone? Yes. No question. हाँ जी, लंच को पूछ जी. हाँ जी बेटा बोलो. मैम वो PS2 से
वो पीएस वन तक कैसे गया, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। दोबारा बोलो वंश, क्या बोला आपने, दोबारा बोलो। वंश मैम वो PS2 से PS1 तक क्या कैसे गया? हाँ ये वाला PQH2 वाला, जी, हाँ जी, हाँ जी, ये तो सिंपल आपका वो है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। PO2 ये क्या है? PUL नहीं है, PQH2 है, अच्छा दैट इज प्लास्टोक्विनोन, हाइड्रोक्सी हाइड्रोप्लास्टोक्विनोन, ठीक है, और ये PCE है, दैट इज प्लास्टोसाइनिन, राइट। आप PQ भी लिख सकते हो, प्लास्टोक्विनोन भी कर सकते हो इसको, और PC दैट इज अ प्लास्टोसाइनिन। ये इंटरमीडिएट्स हैं, बीच में बने हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से आगे पीछे थोड़े शो कर दिए। ये मैंने हाइड्रोजन वाला यहाँ पे इसलिए लिया ताकि वो हाइड्रोजन आयन्स रिलीज करते दिखा दे, अदरवाइज आपको इसकी पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो शो किया गया है इन द प्रीवियस चैप्टर। आपको रेस्पिरेशन जब भी करवाया था ना इम्प्लांट, तो चैप्टर में आपको ये वाला पूरा टॉपिक करवाया था मैंने, और पूरा चेन भी बना हुआ है उसमें, इफ यू आर नोटेड इट डाउन। तो उस चेन में भी देखोगे तो वहां पे भी आपको सारे ये एक्सेप्टर्स मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। वहां पे हाइड्रोजन आयन्स का काम कम है क्योंकि वहां पे दैट इज अगेन हाइड्रोजन आयन्स टू बी जस्ट यू कैन से मूव्ड आउट फ्रॉम द ऑक्सीजोम एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, कन्वर्टिंग ऑल द अदर फॉर्म्स इन टू द एटीपी, वहां पे ये था। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन्स फॉर्मेशन में ही हेल्प कर रहे हैं, कन्वर्जन में नहीं हेल्प कर रहे हैं, NADH2 को तोड़ के नहीं लेके आ रहे हैं हाइड्रोजन आयन, है ना। वहां पे ऐसा था कि वो NADH2 या FADH2 में से हाइड्रोजन आयन लेके आते थे और हाइड्रोजन आयन्स को माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर निकालते थे, इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे शिफ्ट हो गए। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स ल्यूमन में भेजे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आगे आगे शिफ्ट हो रहे हैं, इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम विच इन्वॉल्व्स दीज ऑफ द थ्री जस्ट यू कैन से द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या, सिंपल वही जो हम फर्स्ट स्टेप से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहला जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाया था जिसमें लाइट हार्वेस्ट की जाएगी LHC से, LHC, तब मैंने LHC बनाया, इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, फिर उसको डाउन लेके आया, वो सारा कुछ डायग्राम जी स्कीम वाला याद है, तो जी स्कीम वाली चीज आप लोगों ने यहाँ पे कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन्स जब ये रिमूव आउट हो रहे हैं, दैट इज फोटोन्स इन द फॉर्म ऑफ द लाइट, द फोटोन्स दे आर एक्टिंग जस्ट टू बी हार्वेस्टेड बाय द कम्प्लेक्स, द लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स LHC, है ना, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ चला जाएगा, क्लोरोफिल ए जो एक्साइट हो गया, एंड हेंस द इलेक्ट्रॉन्स बीइंग शिफ्टेड। तो वही हो रहा है, याद है बस ये स्कीम वाला। फिर से दोबारा LHC2 जो एक्टिवेट हो जाता है और वो PS1 को एक्टिवेट करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नीचे दोबारा नहीं आते हैं, लेकिन दे आर रिसीव्ड बाय द NADPH रिडक्टेज व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, और ये स्ट्रोमा है, ये स्ट्रोमा के अंदर लो कंसेंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन्स, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा है बाहर, स्ट्रोमा शोज द लो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एंड द ल्यूमेन शोज द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन्स, जिस वजह से ऑस्मोसिस बन गया। ऑस्मोसिस कौन सा, केमी ऑस्मोसिस, क्योंकि ये केमिकल्स का है ना, ये स्पेशली आयनिक ऑस्मोसिस है, ठीक है। तो आयन्स हाइड्रोजन आयन्स के कंसेंट्रेशन में हायर कंटेंट विद इन द ल्यूमन, लोअर कंटेंट आउटसाइड द ल्यूमन, आउटसाइड द थायलोकोनल मेम्ब्रेन, सो इट जस्ट मूव्स आउट फ्रॉम द F0F1 पार्टिकल लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ द ATP सिंथेटेस एंड हेंस ATP's फॉर्मेशन, ठीक है। Any other student who has not understood any concept of this? Anji beta. Done. So the next concept is that of the C3 and C4 pathways. That is the Kelvin cycle, C3 pathway or the C4 pathways. वो हमने करने हैं. So further, this is the again the cyclic presentation. I think the time is less for this topic. If you have any doubt, you can ask me and I will continue this topic tomorrow. Anji.